वैसे ये ब्लॉग बनाने से पहले मैं थोड़ा कन्फ्यूज था कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अब मैं क्यों कन्फ्यूज था ये हम स्टोरी में आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिन का हम ऐसे बैठ के अपनी जगह से बात कर रहे हैं। इसके पहले तो हमारी सीरीज़ थी और आई एम ग्लैड कि आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आई। आपको जो रिस्पांस है वो देख के मुझे बहुत खुशी मिली। और अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी तो ऊपर आई बटन है ना, वहाँ पर लिंक है, जाके चेक कीजिए। बहुत ही मस्त सीरीज़ बनी है, माई फर्स्ट ट्रैवल सीरीज़ नासिक दर्शन। सो नासिक दर्शन के बाद मुझे लाइफ ने मौका दिया ट्रैक पर जाने का, माई फर्स्ट ट्रैक ऑफ लाइफ। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो लगभग सुबह 3 बजे हम पहुंचे करजत, और हमारी आंखें देख के आपको तो हमारी हालत समझ ही सकती है। तो इसके लिए हमने पी चाय। चाय खत्म होने का था, हमारा ट्रेक हुआ शुरू बेस विलेज की तरफ। डार्क नाइट, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। और चलते चलते हमारे चिन्मय को एक रिग्रेट याद आता है। उसका रिग्रेट सुनिए। बहुत बड़ी गलती थी, बैग में वजन 160 था, सीट के लग गए गंदे वाले, और कुछ नहीं, एक रेगरेट रहेगा जिंदगी में। ये लो, यहाँ पर लोगों का एंट्री एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट में निकलते, लेकिन इस बंदे को 7 अटेम्प्ट लगे। उस चीज़ का इसको रिग्रेट नहीं है, और इसको रिग्रेट इस बात का है। जनरल तो उसमें रिग्रेट है। या मेहनत का पसीना। ये था ट्रैक का हमारा एक्सपीरियंस। और अगर बाकियों की बात करें तो कहीं हमारी नाइट ट्रैक की हालत, हाउ इज द एक्सपीरियंस, समीक्षा टूटो मानी। हां बोले गेला आगे नहीं बजे तो, हाउ इज द एक्सपीरियंस। और इसी औसम के साथ हम पहुंचे बेस कैंप साइट के पास, यानी कि बेस विलेज में पेट। यहाँ पे हमारा पोहा एंजॉय कर रहे हैं, थक के आ गए ना तो एनर्जी के लिए पोहा खा रहे हैं, और अभी सुबह होने वाली है। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे फोन है ना तो आपको इतना नहीं समझेगा। तो देख लो अभी पोहा एंजॉय करते हैं। चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है। सो अभी गुड और मॉर्निंग दोनों भी हो गए, ये है हमारी, और हम लोग जा रहे हैं सनराइज देखने। मतलब अभी बस उजाला हुआ है ना, सनराइज नहीं हुआ अब तक, तो वो देखने जा रहे हैं। तो देखो गाइस, हमें उधर जाना है, उधर, और अभी हम यहाँ पे है, वहाँ पर जाना है। और ये मस्त एकदम शांत जंगल से पक्षियों का आवाज आ रहा है, चुक 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 नहीं, लेकिन आवाज आ रहा है। अच्छा पक्षियों का आवाज मेरे दोस्त। चिन्मय यहाँ पर गाने गा रहा है, पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, गाना गाता हूँ तो मैं बोला कि मेरा ऐसा। खैर ये तो गाना नहीं गाने वाला, तो हम ये गाना चेंज करते हैं। Oh,
अभी लगभग टाइम है सुबह के 7 बज रहे और ये जगह मतलब क्या मस्त है। देखो ना पूरा पत्थर से गिरा है और ये देखो पूरा माउंटेन और सनराइज वहाँ पे हो रहा है। सो अभी मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा डाउट लग रहा है कि भाई हमें मिलेगा कि नहीं सनराइज देखने। सो देखते बिकॉज इस बार तो देखो भाई अपन घर से इस बार जल्दी निकले, पहली बार होगा अपने व्लॉग में जितने अब तक बनाए कि कभी मैं घर से जल्दी नहीं निकला था, लेकिन इस बार मैं जल्दी निकला है। तो क्या इस बार हम सनराइज देखने लेट पहुँचेंगे, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने। गवाह है गुजरे जमाने चले हैं जब परवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है। चिन्मय कह रहा है जाम भरती मतलब जाम भरती। जोर से बोल जय माता जी सारे बोल, अरे मैं नहीं सुनिया जय माता जी तुम भी बोलो जय माता, अरे हम भी बोले जय माता जी। दिस मच मोटिवेशन इज इनफ फॉर अस। सनराइज तो हो गया लेकिन चाबी भी ट्रैक चालू है अपना, देखते सनसेट तक आ जाएगी नीचे। अभी यहाँ से जाने गए, अरे भाई कितना दूर है। और जाना होना होगा ये नहीं पता नहीं, देख लो यहाँ से देख लो मस्त है, सुंदर सुंदर वेरी मच ब्यूटीफुल। और उसके बाद हमें वो गढ़ चढ़ना है द ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र। थक गए बाबा, 2 घंटे से ट्रेक कर रहे अभी तक नहीं आया। 5 मिनट है कब बिटवा, हम आए आए। अरे संभाल के बिटवा संभाल के, 5 मिनट है 5 मिनट। मंदिर कहीं पास दिख रही है मतलब दिख रही था मंदिर मतलब पहुंचे, 10 मिनट और लगेगा मैक्सिमम। अभी पिछले 30 मिनट से लोग 15 मिनट बोल रहे पर कुछ डेस्टिनेशन तो अपना आ रहा नहीं है। 15 मिनट बोल के 2 घंटा। अरे भाई कौन सा मातीची बन लिया इसका, हे भाई बिना रुकते आइए। फर्स्ट टाइम वॉटर अपना 2 घंटे का ट्रिक इधर खत्म हो गया और अगर ऊपर को क्या लगता है ऊपर जाते समय हमने क्या किया होगा। मैं तो भाई सो गया लेकिन मैं सो के उठा
बिकॉज मुझे नज़ारे देखने थे ना, लेकिन एक बंदा उठा ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। वो घंटे के ट्रिक के कड़ी परिश्रम के बाद और मैं थक थक के आया, ठीक है मैं मानता हूँ मैं थका, लेकिन ये लड़का बहुत बोल रहा था ट्रैक में, अबे थका ही नहीं है, कुछ नहीं है, इजी है। और आते संग देखो देखो और कहता कुछ थका ही नहीं है। सो गया ये जहां, सो गया आसी, घोर रहा है ऊपर से, सोया तो सोया घोर रहा है। अब इतना दूर आया तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, इस जगह की वाइब्स लेके जाएंगे, वाइब्स के पैसे हमी ठाकर ठाकर। मैं गंदा गाता हूँ, हमी ठाकर ठाकर यारा नाची पाखर, हमी ठाकर ठाकर यारा नाची पाखर, या जांबऱ्या गर्दीत मांडून इवले घर, आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर। हम लोग ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया, उतर के भी कंप्लीट कर लिया, और हम लोग ट्रैक प्रेम भाई करके उतरे, और इतना एग्जॉस्ट हुआ ना, मतलब माँ कसम। और अभी और एक ट्रैक है हमारे आज के दिन में, बट सबसे पहले तो प्यास लगा, तो जाऊँगा टेंट का पे, सब लगा है, लेकिन पानी सबसे पहले चाहिए चीज़, प्रायोरिटी पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने 7:10 को आप कह सकते हैं स्टार्ट किया था, और अभी बज रहे 1:30 के आसपास। अभी इसके बाद है ना कभी 5 मिनट भूलने का नहीं है, क्योंकि आज मेरे को पता चला 5 मिनट क्या होते हैं, 5 मिनट भूल कर। अगर आप मुझे थोड़े पहले से फॉलो करते हो ना, तो आपको पता है अपने कहानी में ट्विस्ट आता है, और मैं भी ट्विस्ट का ही वेट कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ट्विस्ट कुछ इस फॉर्म में आएगा, जो मेरे आगे के ट्रिप का प्लानिंग ही देख लीजिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हमारे लाइफ में पोपट तो होते रहते हैं, और इस बार तो सबसे बड़ा वाला पोपट हुआ हमारे साथ, अनएक्सपेक्टेड पोपट हुआ, मतलब जिस ट्रिप के लिए हम आए थे, यानी जिस फोर्ट के लिए हम आए थे, वहाँ पे हमें जाने ही नहीं मिला, बिकॉज हम लेट हो गए थे, सो गए थे ना पिछले फुटेज के बाद, हम आए खाना खाए और सो गए, और बस 2 मिनट की वजह से लेट हो गए। हाँ बस 2 मिनट की वजह से लेट, अभी हम लोग बैठे हैं ऐसे, बिकॉज बाकी के लोग देखो उधर गए ऊपर, मैं पूरा हिस्ट्री सब जान के आया था। इसके तीन तोप है, एक गांव में है, दो ऊपर है, फिलहाल मैं इतना ही बता सकता कि हमारे नसीब में एक भी नहीं है। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। सो वंस जाकिर खान टोल्ड कि मज़ा जगह से नहीं लोगों से होते, और अपने लोगों के साथ हमारा भी एक प्लान बना। अब हमारा प्लान क्या था देखिए, अभी इधर बैठ के हम अभी बिस्किट खाएंगे। यस दैट इज आवर प्लान। और अभी एक अच्छी बात यही है अभी के दिन में कि अभी हमें चिकन खाने मिलेगा, जिसका खुशबू हमें यहाँ तक आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। हमारी टेंट आज का टेंट, अरे पड़ोसी है तो हमारा, इधर भी चैन है, देख इधर से मैं खोल दिया ब्रो। यस यस आई एम ट्राइंग दैट, ओके ठड ठड ठड। हां ओ भाई साहब, हां टेंट है आज के दिन का, आज हम इधर सोने वाले हैं। हां ये थी मेरी फर्स्ट ट्रिक की कहानी,
अधूरी सी पूरी सी मुझे खुद पता नहीं कैसी, बट मज़ा आया एट द एंड मज़ा। सो एज आई टोल्ड अर्ली इन द वीडियो दैट आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज, बट एट द एंड इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, और जर्नी में हमें मज़ा आया। एंड दिस व्लॉग इज इन माई मेमोरी, और होप अगर आप भी मेरे साथ ट्रिप पे थे तो आपको भी सारे पल याद आए होंगे। तो थैंक यू, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।